अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बना रही हूँ चरगा पलाव। टन टना, देखे मैंने एक साबुत मुर्गी ली है कसाई से, उसके पोस्टमार्टम करवा के दिल फेफड़े जो भी था इसके अंदर सब कुछ निकलवा के इसे अच्छे से साफ करवा के मैंने इसे धो लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डीप कट लगा लिए हैं ताकि मेरा मसाला जो है चरगे का वो अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। तो आप लोगों ने डीप कट लगाने हैं और इसको इतने कट एक ही डायरेक्शन में लगाने, और उसके बाद मैंने इसका मसाला तैयार कर लेना है आप लोगों ने। तो उसके लिए मैंने लिए एक कप दही और बाकी सारे मसाले लिए खुश्क, मैंने जो मैंने इसके अंदर डाल के इसका मसाला तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है धनिया पाउडर, उसके बाद मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, फिर गरम मसाले का पाउडर, लाल मिर्च, नमक, हसबे जायका लेना है आप लोगों ने। और मैंने लिया है नेशनल का टिक्का मसाला, और इसे ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना भी स्पाइसी करना चाहें। और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट बना लिया मैंने वो डाला है इसमें, और एक चम्मच सिरका डाला है। और सोया सॉस आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी आप डालना चाहें, मैंने एक से दो ड्रॉप डाले हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और उसके बाद मैंने इसमें लेमन डाले हैं दो चम्मच, इससे मुर्गी अच्छी तरह अंदर तक पक जाएगी। सिरके और लेमन इसलिए हम लोग डालते हैं कि वो अच्छा सा खट्टा मीठा, मतलब खटास के लिए डालते हैं कि टेस्ट बने, या फिर वो अच्छे से मुर्गी अंदर तक पक जाए तो इसलिए डालते हैं। नेशनल का मसाला मैंने लिया है, टिक्का मसाला लिया, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पूरा डालना चाहे या आधा डालना चाहे मसाला, मैंने तो पूरा पैकेट डाला है इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए। इसका मसाला बनाने के बाद इसे अच्छे से दही में फेंट लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी जितनी भी आप दही लेना चाहे, मैंने एक कप दही लिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से जो चरगा बनाना है जिस मुर्गी का मैंने पोस्टमार्टम करवाया था, उसको साबुत मुर्गी को लेके उसमें अच्छी तरह सारा मसाला लगा लेना। और ध्यान रखें मसाला लगाते वक्त हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहन ले ताकि आपके नाखूनों में और उंगलियों में मसाला जलन ना करे। उसके बाद अपने इसकी टांगों को बांध देना है, टांगों को बांध के एक या दो घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है, चाहे तो पूरी रात के लिए आप रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से मज़ेदार सा बने। मैंने तो इसे एक या दो घंटे के लिए फ्रीज़र में बना के रखा था। उसके बाद मैंने साथ ही चावलों का मसाला तैयार करने के लिए चीज़ें ली हैं, और मुर्गी को एक खुले मुंह वाले बर्तन में एक दो घंटे के बाद रख दिया पकने के लिए। कुछ हद तक पक चुकी है, अभी कुछ पकने वाली है। और ये मैंने चावलों के मसाले के लिए बाकी की सारी चीज़ें ले ली है जो चावलों में डलती हैं। तो मैंने टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्ची, लहसुन, अदरक ले लिया और इनको तैयार कर लिया, जिससे टमाटरों को काट के, प्याज को काट के। और बाद में मैंने ये तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा लेके उसे एक पतीले में मैंने इसमें तेल डाल के इसे अच्छे से गर्म होने के लिए पहले इसे अच्छे से इसलिए फ्राई कर लिया कि और प्याज बाद में डालने ताकि इसका ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट निकला है, इसकी ज़्यादा अच्छी सी खुशबू निकला, इसीलिए खड़े मसाले मैंने पहले डालने हैं इसमें। और बाद में इसे प्याज डाल के इसे अच्छे से भून लेना है, लाइट ब्राउन कर लेना है, आपकी अपनी मर्ज़ी आप जितना भी करना चाहें। और बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है इसके अंदर, और बाद में फिर अगर इसे और स्पाइसी बनाना है तो आपने इसमें पीसे हुए मसाले डाल देने। मैंने तो गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हसबे जायका नमक डाला है इसके अंदर, और जैसे से पका लिया है। और अच्छे से पकाने के बाद इस साथ ही मैंने जो अपनी मुर्गी के फेफड़े दिल जो भी निकलवाया था वो भी साथ ही डाल के उसे भी साथ ही भून रही हूँ। अक्सर कहते हैं कि उसे हंडिया में डाल के भूनना नहीं चाहिए कि टेस्ट अच्छा नहीं निकलता, मगर मैंने तो डाल दिए हैं दिल वगैरह जो भी है ताकि वो भी अच्छे से साथ ही पक जाए। और टमाटर भी मैंने अंदर ही डाल दिए। ले मेरे चावलों का मसाला तैयार हो चुका था, इसमें मैंने पानी डाला और साथ ही चावल भी डाल दिए। और दूसरी साइड पर मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी, मतलब मेरा चरगा भी तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको चावलों पे दम लगाने से पहले इसको सेंटर में रख के और साइड्स पे इसके चावल डाल दूंगी। और ये मैंने गर्म होने के लिए रखा है तवा, और इसके ऊपर मैं दम लगाऊंगी। और मैंने दम लगा दिया है, और इसके बाद देखिए मेरा मज़ेदार सा चरगा पलाव तैयार हो चुका है, और इसे मैं डिश आउट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी मज़ेदार सी है ये लग रहा है, और ये खाने में बहुत मज़ेदार था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।